What Evie's doing? Hi everyone, Namaskar, Salaam, Satriyakal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. सुबह के करीब 10:15 बजे हैं और मॉर्निंग का मेरा सारा ही काम हो चुका है, लेकिन कपड़ों का काम अभी चल ही रहा है। सुबह से ऑलरेडी 2 लोड वॉश हो चुके हैं और ड्राई भी हो गई हैं, जिनको मुझे फोल्ड करना है। तीसरा लोड लाइट कलर के कपड़ों का मैं अभी रन कर रही हूँ। पहले क्या होता था, मैं एवरी डे वॉशिंग मशीन लगाती थी, फिर कपड़े सुखा के फोल्ड करके जो कुछ भी आयन के होते थे 2-4 वो करके और सेम डे समेट के रख देती थी। लेकिन अब मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही वॉशिंग मशीन अपनी रन करती हूँ और उसके पीछे रीजन ये है कि वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में जो मेरा टंबल ड्रायर है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो एक साथ आप 2 लोड ड्राई कर सकते हो। और वैसे तो आप थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हो, लेकिन वही है कि फिर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगेगी, फिर आपका बिल भी ज्यादा आएगा। तो जिस तरीके से आप पैसा सेव कर सकें वो तरीका अपनाना ही चाहिए। तो अब एक दिन मैं घर के अपने सारे कपड़े जो हमारे पहने हुए गंदे कपड़े होते हैं वो वॉश कर देती हूँ। वाइट्स इस हफ्ते ज्यादा नहीं थे तो इसी वजह से वाइट्स नहीं धुलेंगे, अदरवाइज एक ही दिन में 4 लोड लगते हैं। एक डार्क कलर के कपड़े, लाइट कलर के, वाइट्स और वूलन्स जो होते हैं। और फिर जो हफ्ते में दूसरा मैं लोड लगाती हूँ उसमें होती है बेडशीट्स हो गई, या फिर सोफे का कवर हो गया, या फिर मुझे अगर कहीं के कर्टेन वगैरह वॉश करने हैं तो वो। तो इस तरह से हफ्ते में अब 2 दिन ही मैं वॉशिंग मशीन और टंबल ड्रायर रन करती हूँ और इससे मेरा टाइम भी मुझे लगता है कि सेव होता है। एक ही दिन में वो कपड़ों का सारा काम निपट जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो 2 लोड ऑलरेडी सूख चुके थे उसको मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। ईवी को आप आते जाते यहाँ पे देख ही रहे हैं एंड आई ट्रूली विश कि इतनी ही तेजी से काश मेरे हाथ जो है वो रियल में चल पाते। वैसे ये 6S की स्पीड में फिलहाल वीडियो चल रही है। तो ईवी जो है वो टंबल ड्रायर में ना मैं बॉल्स डालती हूँ जिनसे कपड़े जो है जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। टंबल ड्रायर की ये जैसे ड्राइंग शीट आती है उसी तरह की बॉल्स भी आती हैं। तो ईवी अभी यहाँ पे जो है वो बास्केट चुरा के भाग गई थी, फिर मैं उससे लेकर आई हूँ। तो कपड़े फोल्ड करके मैंने इस बास्केट में साथ के साथ जमा दिए हैं। इनको अभी मैं ऊपर लेके जाऊंगी और साथ के साथ इनको लगा भी दूंगी। इसके बाद मैं फिर से आई हूँ नीचे। ईवी को मैंने हाई चेयर पे बिठाया है क्योंकि मुझे अपनी क्रॉकरी यूनिट थोड़ी सी ठीक भी करनी है। एक्चुअली कुछ एक सामान जो है वो एक्स्ट्रा है वो निकालना है और every 3 month पे मैं कोशिश करती हूँ कि घर के हर एक कोने को एक बार देख लूँ। अगर कोई चीज मेरे इस्तेमाल में नहीं आ रही है तो मैं उसको डीक्लटर कर दूँ, डोनेट कर दूँ, या मैं फ्रेंड से भी पूछ लेती हूँ अगर किसी को जरूरत होती है तो मैं उनको दे देती हूँ। तो every 3 month पे क्रॉकरी यूनिट भी चेक हो जाती है, हमारी वार्डरोब्स भी हो जाती हैं। ईवी के कपड़े तो होते ही हैं, अद्वी के भी कई बार हो जाते हैं। तो एक रोटेशन बना रहता है और आपके घर में कभी भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती हैं और आपको शॉपिंग का भी स्कोप मिल ही जाता है। बहरहाल मेरी ये 2 यूनिट है, ये आइकिया के बिली बुक केस है जिसको मैं ऐसे क्रॉकरी यूनिट यूज करती हूँ। और इस यूनिट में सारी ही क्रॉकरी है जिसमें सर्विंग डिशेस भी हैं, कुछ एक डिनर सेट भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्लासेस भी हैं। तो जो बिल्कुल दीवार के तरफ वाली यूनिट है उसमें नीचे की तरफ कुछ एक्स्ट्रा बर्तन और एक्स्ट्रा जार भी रखे हुए थे, तो वो जार मैंने निकाले हैं। और इस वाली यूनिट में मेरा एक पुराना डिनर सेट भी था जो काफी टाइम से यूज हो ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो उसको निकाल देते हैं, किसी के काम आ जाएगा, मैं इसको डोनेशन में डाल दूंगी।
जार्स निकालने का मकसद ये है कि अभी मैं इंडिया जाने वाली हूँ और मायके से फिर मम्मी मुझे ढेर सारा अचार देती ही हैं हर बार। तो हर बार यही होता है कि वो नए डब्बे खरीदती हैं, फिर मैं यहाँ लेकर आती हूँ और फिर वो डब्बे रखे ही रहते हैं क्योंकि उनका मैं यूज करती नहीं हूँ। मैंने मोस्टली अब जो है वो ग्लास के ही जार कर लिए हैं किचन में। तो इस बार मैं याद से ये के सारे डब्बे इंडिया लेके जाने वाली हूँ ताकि मम्मी को और खरीदने ना पड़े और इनको ही वो रिफिल कर दे और मैं इनको लेके आ जाऊं। तो खैर क्रॉकरी यूनिट में से बहुत ज्यादा चीजें नहीं निकली, कुछ एक मग प्लेट बोल्स ये मैंने निकाले हैं और ये मैंने यहाँ पे डब्बे निकाल लिए हैं। इनको मैं ले जाके एटिक में रख दूंगी ताकि मेरे लगेज में ये सेव हो जाए। तो ये काम मेरा निपटा, एक्चुअली दो काम सुबह के निबट ही चुके हैं। इसके बाद आई हूँ मैं इधर गार्डन रूम में। यहाँ पे ना एक हमने छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है जिसमें हम एक्स्ट्रा चीजें रख देते हैं, मसाले वगैरह। जैसे इंडिया से कभी मैं ज्यादा ले आती हूँ या फिर इंडियन शॉप से हम लोग एक्सेस ले आते हैं क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली हमारा जाना होता नहीं है। कुछ एक चीजें जो है वो मैं फ्रीजर में भी रखती हूँ, हालांकि छोटा सा ही है इसका फ्रीजर, लेकिन फिर भी जैसे मील प्लानिंग वगैरह मैं करती हूँ तो वो भी यहाँ पे रख देती हूँ। पिछली बार मम्मी ने जो अचार दिए थे ना, तो मैंने रिफिल करके बाकी जो बचे हुए थे मैंने अपने फ्रिज में रखे, लाइक अंदर घर में रखे हुए थे। ये भी अपना ही है फ्रिज, ये भी किसी और का नहीं है, तो अंदर वाले फ्रिज में रखे हुए थे। बट वो ये कि जगह ले रहे थे तो मैंने इधर ही रख दिए थे। तो फिलहाल इनको भी मैं लेने आई थी, इन जार्स को, क्योंकि खत्म हो रहे थे अचार, मुझे रिफिल करने थे। और ये वाले जो डब्बे हैं इनको भी मैं फिर वॉश करके रख दूंगी और ये भी इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये काम मेरा डन हुआ। अब फटाफट जो है वो लंच की तैयारी करते हैं। थोड़ी सी तैयारी पहले से है, आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने अरहर की दाल जुकीनी डाल के बनाई थी और मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी और आपको बताया भी था कि नेक्स्ट डे मेरे घर में जो है वो इडली सांभर कुछ ना कुछ बनने वाला है या फिर मैं वड़ा बनाऊंगी। तो फाइनल डिसाइड यही हुआ है कि इडली बनने वाली है। तो बहुत ही इंस्टेंट वाली इडली की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसे आपने दाल चावल भिगा के बनाई हो। तो आप ट्राई जरूर करना और मील प्लानिंग के लिए आप ये प्रीमिक्स बना के रख भी सकते हैं। तो फटाफट जब भी आपको जरूरत पड़े इसमें से निकालें सर्टेन क्वांटिटी और बना लें, बच्चों को भी लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मेजर करके ली है सूजी, सेमोलिना रवा भी बोलते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन, बेसन भी 1 कप ही जाएगा। तो जितनी सूजी है उतना ही इसके अंदर बेसन जाएगा। अब उसकी आधी क्वांटिटी का जाएगा चावल का आटा, ये आराम से हर इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाता है और इंडिया में तो खैर अवेलेबल है ही। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप उड़द की दाल का आटा, यहाँ पे भी ये इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाता है और इंडिया में भी मिल ही जाता है। बाकी आप उड़द की दाल को जो है अगर आपके आसपास कोई चक्की है वहां से पिसवा भी सकते हैं, जैसे गेहूं पिसवाते हैं लोग, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो हाँ, ये 4 ड्राई इंग्रेडिएंट हमें देने हैं, सूजी, बेसन, चावल का आटा और उड़द की दाल का आटा। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, दही का जो है वो 1 कप जाएगा इसके अंदर और 2 कप जाएगा इसके अंदर पानी। पहले मैं 1 कप डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास मट्ठा हो, छाछ, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, तो 3 कप आप वो इसके अंदर ऐड करें, उसके जो रिजल्ट हैं वो और भी ज्यादा अच्छे आते हैं। यहाँ पे बटर मिल्क मिलता नहीं है तो इसीलिए दही से ही काम चलाना पड़ता है, वैसे दही से भी अच्छा हो जाता है। और दही अगर आप पहले से निकाल के बाहर रख देना जो वो थोड़ी सी खट्टी हो जाए रूम टेम्परेचर पे हो तो और भी बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो अब इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब बाकी का बचा हुआ जो 1 कप है पानी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। फिलहाल आपको ये थोड़ा सा रनी लगेगा बट कम्प्लीटली फाइन। सूजी और जो उड़द की दाल का आटा होता है ये बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको जब आप 15 मिनट के लिए रख छोड़ेंगे उसके बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी।
तो बैटर बना के मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया है। इधर हम सांभर बना लेते हैं इंस्टेंट वाला। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे सब्जियां बॉईल करने वाली हूँ और ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने हींग ऐड करा है, उसके बाद राई डाली है, थोड़े से करी पत्ता डाले हैं और उसके बाद मैंने हल्दी ऐड कर दी है। आप चाहे तो सूखी लाल मिर्च भी इसके अंदर डाल सकते हैं। सब्जी में यहाँ पे बस मेरे पास गाजर है और मैंने थोड़ा सा आलू भी डाला है क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद आता है, और इसी के साथ अनियन है वो मैंने थिनली स्लाइस कर ली थी। कोई भी चीज आपको भूनने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ ही आप सारी चीजें डाल दें। इसके अलावा जो भी सब्जी आपको पसंद हो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दाल मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है जुकीनी के साथ, इसीलिए यहाँ पे मैं जुकीनी ऐड नहीं कर रही हूँ। सॉल्ट डाला है मैंने टेस्ट के हिसाब से, सांभर पाउडर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच और पानी डाला है थोड़ा सा हिसाब से। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद प्रेशर कुकर की हम लिड लगा देंगे। 2 विसल में ये सारी चीजें बहुत आसानी से गल जाती हैं। बाकी आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से इसको प्रेशर दे दें और बस मकसद यही है कि सब्जियां जो हैं हमारी अच्छे से गल जाएं। जब ये डन हो जाएंगी उसके बाद फिर हम इसमें दाल और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सांभर मेरा रेडी होने लग रहा है, बैटर रेस्ट कर रहा है। मीनवाइल मैं यहाँ पे जो अचार के डिब्बे हैं वो रिफिल कर लेती हूँ। कोई कोई अचार मेरे पास 3-4 साल पुराना भी है मम्मी के हाथ का और अब तक भी वो खराब नहीं हुआ है। सिर्फ एक जो चने का अचार होता है ना, उसको जो है वो तेल में पूरा आपको डुबा के रखना पड़ता है। अगर वो थोड़ा सा भी बाहर रह जाता है ना तो हाँ उस पे फंगस फिर आ ही जाता है, तो उसका मुझे ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जितने भी अचार हैं सारे बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं। तो ये है आम का हींग वाला अचार विच इज माई फेवरेट और मेरी फ्रेंड आकांक्षा का भी फेवरेट है। एंड शी इज लाइक दीपिका, जब भी इंडिया जाया करो मेरे लिए अलग से लेके आया करो, तो उसके लिए मैं अलग से ही लेके आती हूँ हमेशा। उसको मम्मी के हाथ का हींग का अचार बहुत पसंद है। मिर्च का अचार मैं यहाँ पे भी डाल लेती हूँ, बट लाल वाली मिर्चें मुझे यहाँ पे नहीं मिलती हैं। जहां जहां भी मैं इंडियन शॉप पे गई हूँ मुझे कभी नहीं मिली, ग्रीन वाली मिल जाती है। तो लाल मिर्च का जो अचार है वो मम्मी के हाथ का मैं सेव करके रखती हूँ। विकास को भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट फिलहाल वो डब्बा पूरा एम्प्टी हो गया है। बट कोई नहीं, अभी इंडिया फिर से हम जाने लग रहे हैं, दोनों जगह ही जाना है। मदर इन लॉ से मिलने के लिए बस पूछो ना कि कितनी तड़पन हो रही है कि एक बार जाके बस मम्मी को गले लगा लूं, कितनी परेशान हो रही होंगी वो। तो खैर जल्दी ही वो दिन भी आएगा। और ये है आम की मीठी चटनी, ये भी मैंने रिफिल कर दी है, और एक जार जो हम खाने वाले हैं वो भी, और जो दूसरा जार है वो भी मैंने फिल कर दिया है। ये मेरी फ्रेंड के घर जाने वाला है। इसके बाद यहाँ पे है ये आम का अचार, और आम का अचार मैं लास्ट ईयर नहीं लेके आई थी, लास्ट टू लास्ट ईयर इंडिया से लेके आई थी। तो ये भी डब्बा खाली हो गया है, तो काइंड ऑफ ये आई थिंक 1 किलो का डब्बा था ये प्लास्टिक वाला, जो ऑलमोस्ट 2 साल हमारा चल गया है। और अभी जो मैंने ये कांच के छोटे जार रिफिल करे हैं 2-3 महीना तो निकाल ही देते हैं। तो बस यहाँ पे सारी चीजें जो मुझे रिफिल करनी थी वो रिफिल कर दी हैं, उनको अच्छे से मैंने वाइप कर दिया है। और इसके बाद ये वाली जो मेरी कैबिनेट है इसको मैं अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। तो होली भी आ रही है, उससे पहले यही है कि घर का हर कोना जो है एक बार हाथ के नीचे से निकल जाए, साफ हो जाए। एक साथ सब कुछ क्लीन कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, खासकर जब छोटा बच्चा घर में हो और वर्किंग भी हो एक साथ सारी जो। और किचन तो एक ऐसी चीज है जो एक ही दिन में आप पूरी कवर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको खाना भी बनाना है, बच्चे का लंच बॉक्स भी प्रिपेयर करना है, एंड ह्यूमन बीइंग थक भी तो जाते हैं। घर के जो सारे काम होते हैं वो एज इट इज रहते हैं और ये एक्स्ट्रा कामों में आते हैं। तो एक एक कैबिनेट लेके मैं चल रही हूँ और इसका मैंने सारा सामान जो है वो निकाला है। इसके बाद स्प्रे करके इसको 5-1 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और फिर मैं इसको वाइप डाउन करूंगी। और रेगुलर बेसिस पे जब आप क्लीन करते रहे, मेरा यही होता है कि वही every 3 month पे मैं इस तरह से किचन कैबिनेट्स में से सामान निकाल के स्प्रे करके उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो ना तो ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गंदगी जमी हुई है और आपको बहुत देर तक उसको रगड़ना पड़ रहा है, क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल पे आप अपने घर को क्लीन कर ही रहे हैं, हर कोने को साफ कर ही रहे हैं, कोई चीज एक्स्ट्रा तो नहीं है वो भी आपको पता लग जाता है। तो इस तरह से यही है कि मैं अपना रूटीन ये सेट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये रूटीन मैं अपना फॉलो करती ही रहूं, डी क्लटरिंग और
क्लीनिंग जो है वो एक रेगुलर इंटरवल पे होती रहे। तो बस यहाँ पे स्प्रे मैंने करके और उसको जो है वो अच्छे से क्लीन कर दिया है। दरवाजा वगैरह जो है उसका वो सब कुछ शाइनी हो गया है। और ईवी को जो है वो बड़ी बेचैनी हो रही थी कि क्या कर रही है मम्मा, वो यही घूम रही थी और कभी उसको कुछ चाहिए था, इतनी सारी बॉटल्स उसको दिखाई दे रही थी। तो उसको दिखाया फिर कि देखो बस क्लीन ही कर रही हूँ। और बस क्लीन करने के बाद एक बार मैंने बीच में कपड़ा धुला भी था और फिर नॉर्मली भी मैंने एक बार वाइप डाउन कर दिया था। और ड्राई होने के बाद शेल्फ में जो ये डिवाइडर रैक्स हैं ये लगा के और मैंने चीजें जो हैं वो लगानी शुरू कर दी हैं। तो ये जो कांच के जार आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर मिसलेनियस सामान है, इसमें कॉर्न रखा हुआ है और भुने हुए चने वगैरह हैं, रोज पेटल्स रखे हुए हैं, मिल्क पाउडर है, ये सब ना कॉफी के जार हैं। और कुछ एक जो है वो हमारी खरीदी हुई है और कुछ एक जो है फ्रेंड्स को भी बोल देती थी कि ये जार खाली होने वाला है तो हमें दे देना। तो इस तरह से जो है वो काफी सारे जार्स इकट्ठे किए हुए हैं। और ये जो अचार वाले हैं ये मैंने पाउंडलैंड से लिए थे, 6 का सेट आया था कुछ 4 पाउंड का, जब हम इस घर में मूव हुए थे मैं तभी लेकर आई थी। तो ये वाली जो कैबिनेट है हमारी वो ऑलमोस्ट सेट हो गई है। ये 3 टायर शेल्फ है जो मैंने विल्को से ली थी, फिलहाल विल्को जो है वो बंद हो गया है। इसमें मेरी 3 मसालेदानी जाती है, एक रेगुलर मसालों की होती है, खड़े मसालों की होती है और एक और कुछ मसाले जो कुछ वीकली बेसिस पे यूज होते हैं मैंने पहले दिखाया हुआ है। इधर मैंने एक ये वुडन शेल्फ लगा के इसमें घी का जो मेरा बर्तन है बड़ा सा डब्बा वो रखा हुआ है, एवोकाडो ऑयल है, सामने ये घी की दानी है जो डेली यूज होती है और एक ये तड़के वाला ऑयल यहाँ पे रखा हुआ है। तो एक कैबिनेट मेरी क्लीन हो गई है, सांभर जो है हमारा वो भी काइंड ऑफ हाफ पे डन हो गया है, सब्जियां जो है वो उबल गई हैं और यहाँ पे जो बैटर है ये परफेक्टली रेस्ट कर चुका है। अब हम जो है वो इसकी इडली बना लेते हैं। तो एक सैशे जो है वो मैंने इसमें इनो का ऐड करा है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से। बस भाई ये कि सॉल्ट आप अंदाजे से ही डालें क्योंकि सांभर में भी सॉल्ट होता ही है, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से ज्यादा हो जाए। और सॉल्ट मैं डालती भी सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं इडली एक्स्ट्रा बनाने वाली हूँ, अद्वी को जो है वो नेक्स्ट डे फिर मैं लंच बॉक्स में फ्राइड इडली दूंगी कुछ सब्जियों के साथ फ्राई करके। तो यस, इस तरह से मेरी मील प्लानिंग चलती है कि किस दिन क्या बनना है, तो आप उसी हिसाब से पहले दिन तैयारी कर ही लेते हैं। स्टीमर मैंने ऑन कर दिया है अपना, पानी चढ़ा के उसमें, और यहाँ पे जो इडली स्टैंड है इसकी सारी कैविटीज मैंने फिल कर दी है। कुछ 15 साल पुराना ये इडली मेकर होगा, दिल्ली जब मेरी जॉब लगी थी तब मैं सरोजनी नगर से जो है वो लेकर आई थी। अभी थोड़ा सा ये तिरछा भी हो गया, टूटा सा हो गया, बट फिर भी काम कर ही रहा है। तो यस 15 क्या, मेरे ख्याल से 17 साल बोलूंगी क्योंकि 15 साल तो शादी को ही हो जाएंगे। 2007 में गई थी मैं जब दिल्ली मेरी जॉब लगी थी, टाइम भागा जा रहा है। चलिए अब सांभर की तरफ आ जाते हैं। तो सब्जियां जो है वो अच्छे से उबल गई थी, अब इसके अंदर मैंने दाल शामिल कर दी है, अरहर की दाल है ये, प्रॉपर तड़का वगैरह लगा के बनाई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला व्लॉग एक बार चेक कर लेना, आपको रेसिपी मिल जाएगी। जुकीनी ऑलरेडी इसमें थी। अब मैंने इसको बैलेंस करने के लिए इसके अंदर इमली की चटनी डाली है, रेडीमेड है ये, बाकी आप नॉर्मल इमली का जो पल्प होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर सांभर जो है वो हल्का सा मीठा आपको पसंद हो तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या जैगरी डाल सकते हैं। और ये जो चटनी आती है ये खट्टी मीठी होती है तो मैं यही यूज करती हूँ मोस्टली। 15 मिनट में हमारी जो इडली है वो स्टीम हो जाती है परफेक्ट। और जो सांभर है उसको मैंने बस लिड लगा दी है, एक विसल में उसको लगाने वाली हूँ ताकि सारी चीजों का फ्लेवर जो है वो एक दूसरे के साथ रच बस जाए। और इधर यहाँ पे बस ये इडली स्टैंड खोल के मैं एक बार रख दूंगी, थोड़ी सी स्टीम इसकी निकल जाए, फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। और इसकी जो कैविटीज है वो मैंने पूरी पूरी ऊपर तक नहीं भरी थी, थोड़ी सी मीडियम साइज की ही मैंने यहाँ पे ये इडली बनाई है। जब ये ठंडी हो जाए तब एक बार आप जो स्पून होती है वो थोड़ी सी इसके नीचे को रन कर दें और ये देखिए कितनी स्पॉन्जी, कितनी टेस्टी ये इडली बनके तैयार हुई है। किचन मैंने सारी अच्छे से क्लीन कर दी है, सांभर रेडी है,
इडली जो है वो मैंने यहाँ पे सारी निकाल दी है और दो बैचेस में मेरी इडली डन हुई थी, कुछ बनी है 24 के करीब। और जो ये डिब्बे थे ये सारे के सारे मैंने मांझ के रख दिए हैं, इडली मेकर जो था मेरा वो भी मैंने मांझ के रख दिया है। वैसे तो ये डिशवॉशर में भी चले ही जाते हैं, और हाँ लाइट वगैरह कुछ ऑन नहीं थी, वही दिखा रही थी कि थोड़ा सा डार्क आ रहा है। नेक्स्ट जो मेरा है काम वो इस वाली कैबिनेट को क्लीन करने का है। मिसलेनियस आइटम्स इसके अंदर रहते हैं और बिल्कुल कोने वाली ये शेल्फ है और इसमें जो रीच है ना वो कम ही होती है, तो इसमें ऐसा ही सामान मैं रखती हूँ जो डेली मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, तो लंच के बाद मैं उसको क्लीन करने वाली हूँ। फिलहाल यहाँ पे लंच सर्व कर देते हैं, तो गर्मा गर्म सांभर और उसके साथ इडली, बस हाँ नारियल की चटनी जो है वो मिस है, मूंगफली नहीं थी एक्चुअली, नहीं तो मैं बना ही लेती, डेसिकेटेड कोकोनट तो होता ही है, बट खैर बहुत टेस्टी बनी थी। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैंने इस वाली कैबिनेट को भी पूरा एम्प्टी करके और वही स्प्रे करके अच्छे से क्लीन कर लिया था। रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने वो पार्ट क्योंकि पहली वाली कैबिनेट मैंने दिखाई थी आपको, सेम उसी तरीके से मैंने इसको क्लीन किया है। तो बस अब मैं इसको यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ, ऑलमोस्ट जैसे पहले रखा हुआ था सामान बिल्कुल उसी तरीके से ही अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे जैसे ये मुरमुरा रखा हुआ है और उड़द की दाल जो होल वाली होती है जो मैं डोसा वगैरह में यूज करती हूँ वो यहाँ पे रखी हुई है, बेकिंग का एक बॉक्स है, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोसरी भी रखी हुई जैसे कि मखाने वगैरह है या मिल्क पाउडर है, तो इस तरह के सामान है इसके अंदर जो डेली मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी जरूरत पड़ती है। कुछ एक कैन वाले आइटम है जो नीचे की तरफ आपको दिख रहे हैं, दो यहाँ पे ये आपको यूटेंसिल होल्डर दिख रहे होंगे, एक में मैं नाइफ वगैरह रखती हूँ ईवी की रीच से दूर, और पीछे वाले में कुछ एक्स्ट्रा यूटेंसिल है जो डेली यूज नहीं होते हैं, जैसे कि वो क्रीम रोल बनाने वाले सांचे हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो फाइनली ये वाली जो कैबिनेट है मेरी क्लीन होके इसको भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है, नमक रायता मसाला ब्लैक पेपर ये सारी चीजें भी यहाँ रखी हुई हैं, कुछ एक बास्केट में भी स्पाइसेस रखे हुए हैं जो पास्ता वगैरह में यूज होते हैं। तो दिस इज क्वाइट फंक्शनल एक्चुअली, मे बी एस्थेटिकली बहुत प्लेजेंट ना लग रही हो बट मेरे लिए ये काफी फंक्शनल है। कैबिनेट क्लीन हो गई है, इसके बाद जो आज का मेरा टारगेट था वो था इस वाली यूनिट को भी थोड़ा सा क्लीन करने का और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा सामान इधर उधर करने का। एक्चुअली यहाँ पे ना मेरी एक दो ये आपको ग्राइंडिंग मशीन दिखाई दे रही होंगी, तो ये ना दूसरी वो जो मंदिर वाली कैबिनेट है ना उसके नीचे रखी हुई थी, जरूरत पड़ती है आके फिर ये यहाँ पे रखी जाती है, फिर ये वापस वहां पे नहीं गई तो वो कैबिनेट खाली होती गई और यहाँ पे ये पूरा क्राउडेड होता चला गया। तो आज मुझे ये सारी चीजें करनी है और अपने आप से प्रॉमिस किया है कि बस जब मैं वहां से निकाल के लेके आऊंगी तो वापस वहीं पे रख के आऊंगी। और जब से एक्चुअली चॉपर आया है मेरे पास तो मोस्टली जो है वो चीजें उसी से चॉप हो जाती हैं, मुझे ये मैजिक बुलेट वगैरह की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। तो खैर सारा सामान मैंने निकाल के और इसको अच्छे से वाइप कर दिया है, यहाँ पे मैंने स्प्रे भी नहीं किया था क्योंकि ऐसा चीज गंदी थी ही नहीं। तो इसके बाद सामान जो है वो मैंने लगाना शुरू किया है, और इस कैबिनेट में मोस्टली वो वाले मेरे अप्लायंसेस होते हैं जो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मुझे जरूरत पड़ती है, जैसे कि मेरा योगर्ट मेकर है, फिर आप पूछेंगे कि कहाँ से लिया था, तो ये मैंने लेकलैंड से लिया था, 7-8 साल पुराना होगा, तो लेकलैंड पे ही आपको फिर भी मिल जाएगा, और अमेजोन पे बहुत सारे योगर्ट मेकर अवेलेबल है, आप एक बार योगर्ट मेकर गूगल पे डाल के तो देखें आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे और ऑलमोस्ट सभी अच्छा काम करते हैं। तो ऊपर वाली जो कैबिनेट है वो सही कर दी थी, नीचे वाले में ये सैंडविच मेकर रखा हुआ है, उसकी कुछ एक प्लेट्स चेंज हो जाती है, रोटी मेकर है मेरा, और एक मैंने ये अपनी मशीन रखी हुई है यहाँ पे हेम्सवैन की, ये मेरा सबसे पहला कोलैब था, मुझे एक ब्रांड ने भेजी थी, और सबसे नीचे जो है वो एयर फ्रायर रखा हुआ है। तो मैंने अपने हिसाब से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है, बाकी भगवान जाने कब तक ऐसी रहेगी। तो यस मैंने आज कितना काम किया ना, कपड़ों का काम निपटाया, क्रॉकरी यूनिट पूरी करी, जो रिफिल करना था, डब्बे धोने थे, दो कैबिनेट कर दिए, कर दिया, देन आई वाज फीलिंग लाइक ओ माय गॉड दिगाज तूने पता नहीं कितना काम कर दिया, तो आई वाज फीलिंग सो हैप्पी। अच्छा अब डिनर की तरफ आ जाते हैं, तो मेरी बिटिया रानी ने फरमाइश की थी कि उनको राजमा खाना है, जिसकी मेरे पास कोई तैयारी नहीं थी, मैंने राजमा सोप नहीं किया हुआ था,
तो मैंने गर्म पानी में कुछ 3 घंटे ये राजमा सोक किया था। छोटे वाला राजमा था जो मैं इंडिया से ही लेकर आई थी, फाइनली ये अच्छे से सोक हो गया था। अब मैं फटाफट इसको बना रही हूँ। तो मैंने प्याज और टमाटर जो है वो एक साथ ही चॉपर में चॉप कर लिए थे, ऐड कर दिए हैं। जो हमारा राजमा है ना वो रॉ ही है, उबला हुआ नहीं है फिलहाल, बस गर्म पानी में भिगाया ही था। तो टमाटर प्याज डाल दिए हैं। इसके बाद मैंने इसमें राजमा मसाला ऐड करा है, कसूरी मेथी डाली है, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और 1 चम्मच के करीब मैंने अब इसमें जो है वो ऑयल ऐड करा है। तो बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल 2 चम्मच तेल में बनने वाला ये राजमा है। हाँ, जब आप इसे बॉईल करते हैं तो जो वो एक महक सी आती है ना बॉईल होने वाली, वो नॉर्मल सी नहीं लगती है, क्योंकि वो कच्चा प्याज और टमाटर है इसके अंदर, उसकी आती है। लेकिन जब आप इसमें बाद में ऊपर से थोड़ा सा वो 1 और चम्मच घी या ऑयल का तड़का लगाते हैं ना, तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। बट हाँ, जब आप जैसे बॉईल करते हैं तो उस टाइम पे महक जो है किचन में वो थोड़ी सी अलग आती है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना। बाकी अगर आप लेस ऑयली खाना बनाना चाह रहे हैं ना, तो दिस इज द परफेक्ट रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 विसिल लगाई थी, फिर 15 मिनट के लिए मैंने सिम पे छोड़ दिया था, फिर दोबारा से 1 विसिल लगाई थी और राजमा जो है हमारा डन हो गया है। प्याज टमाटर सब अच्छे से गल गए हैं, मसालों का फ्लेवर राजमा के अंदर आ गया। और यहाँ पे बस अब मैं तड़का लगा रही हूँ। तो चमचे में मैंने 1 चम्मच घी लिया है, उसमें हींग ऐड करा है, 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। फ्लेम ऑफ करके थोड़ा सा इसको जो है ठंडा सा होने देंगे, और उसके बाद इसमें हम लाल मिर्ची ऐड करेंगे, कश्मीरी रेड चिली, इससे रंग अच्छा आता है। और बस यहाँ पे मैंने ये तड़का ऊपर से ऐड कर दिया है, और इस टाइम पे बड़ी अच्छी खुशबू आती है जैसे ही आप ये तड़का इसमें हींग जीरे वाला ऐड करते हैं। थोड़ा सा मुझे ये पतला लग रहा था तो मैं इसको थोड़ा सा पका रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। साथ ही मैंने राइस जो है वो भी थोड़े से उबाल दिए हैं। हालांकि रात को हम राइस खाते नहीं है, बट राजमा बन रहा था, आई वाज लाइक कि थाली कंप्लीट नहीं लगेगी, तो थोड़े से राइस बना लिए हैं। रोटी जो है वो कम ही बनेगी क्योंकि ऑलरेडी राइस बन गए हैं, तो इसीलिए रोटी जो है वो मैं रोटी मेकर में बना रही हूँ। डायनामिक ब्रांड का ये रोटी मेकर है, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था और बहुत बढ़िया काम करता है। जब मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था ना, उस टाइम पे उसने मुझे ये दिया था, और उसके बाद ये बहुत काम आया है। ईवी हुई थी तब भी हम लोगों ने इससे बहुत किया, कोविड हुआ था उस टाइम पे भी, और अच्छी रोटियां बन जाती हैं। एक भी रोटी ऐसी नहीं है जो ना फूलती हो, सारी की सारी फूलती हैं, और अपने हिसाब से आप इसको कुरकुरी और नॉर्मल कर सकते हैं। तो अच्छा है ये, ताजी ताजी आप एकदम से परोस रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर बना के कैसरोल में रख रहे हैं तो भी बस कोशिश करें कि आधे घंटे के अंदर ही खा ले, क्योंकि उसके बाद फिर ये थोड़ी सी च्यूई सी हो जाती है, लेकिन ताजी ताजी तो इतनी बेहतरीन लगती है ना कि बस पूछे ना। तो चलिए बस अब फटाफट यहाँ पे डिनर भी सर्व कर देते हैं। तो थोड़े से मैंने राइस रख दिए हैं, राजमा है, और हाँ फिर आप लोग कहोगे दीपिका रात को दही नहीं खानी चाहिए, तो भैया राजमा चावल था, बिना मट्ठे के बिना छाछ के काम ना चलता, तो दही थोड़ी सी पतली करके उसमें जो है वो जीरा और पुदीना डाल दिया है, रोटी के साथ सर्व किया। और यहाँ पे ये देख लिए हमारे ईवी मैडम जो रात के 9 बजे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं, तो चश्मा चश्मा लगा के अपना बैग जो है वो टांग के और बिल्कुल रेडी है। और उसको ये होता है कि एकदम से जो है ना, जैसे मैं रिकॉर्ड करूं उसको, तो वो आके फिर फ्रंट कैमरा में देखती है कि लग कैसी रही हूँ, मुझे भी दिखाओ। तो यहाँ पे वो पूरे टशन में है, और ये चश्मा ना कुछ 5 या 10 रुपए का था, पिछले बार मेले में से अर्जुन दिलवा के लाया था ईवी को, और इसने बहुत सहेज के रखा हुआ है। बाकी खिलौने ये तोड़ फोड़ देती है, बट ये चश्मा इसका बड़ा प्रिय है। तो अपना बैग लगा के, और ये बैग जो है ना ये अद्वी का है जब वो छोटी थी, और अभी खिलौने बस इसके सारे मैंने समेट के रखे थे, बट फिर दोबारा से इनका काम करने वाली है। तो यस, इतनी सारी बातों के साथ आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे, और आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी मोटिवेशनल लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।